रॉट बबर का दल रॉट बन रही हो बंद कर लेगा उमड़े बंद कर वो कर बंद कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो आप लोग? तो आज का ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिया है। सुबह के बजे हैं 9, तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। और मौसम की कहें तो कल बहुत ही बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम आज बिल्कुल चकाचक साफ है। तो आज बनाती हूँ मैं खुमानी की चटनी। दिखाती हूँ आपको खुमानी की चटनी कैसी बनती है। तितोली में खाई थी मैंने खुमानी की चटनी, मुझे अच्छी लगी। तो चलते हैं और बनाते हैं, दिखाते भी हैं। कैसा भी है आलू भिंडी की सब्जी यहाँ पे, और मैं बनाती हूँ खुमानी की चटनी। और उमा कर रही है गोसल की सफाई। उमा भी लगती हो रही है, ये सफाई पे लगी है। तो घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने काम पे लगे हैं, कोई भी फ्री नहीं बैठा है, तो मैं भी करती हूँ काम। तो दोस्तों, ये है लहसुन, ये है जीरा, और अभी लाई हूँ मैं ताजा फ्रेश पुदीना। तो अभी इसको पीसती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ खुमानी की चटनी कैसी बनती है। खुमानी ये मैंने धो के इसमें रख दिए हैं, तो इनके निकाल लेते हैं हम गुठले। ये बादाम वाली खुमानी है जो मैं तितोली से लाई हूँ। हरी मिर्च ये भी मैंने धो के ले आई हूँ, इसको भी डालूंगी मैं इसी में। अभी पीसती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिलबट्टा पगड़ा बस, पीसते रहो पीसते रहो, चटनी तैयार। तो दोस्तों, यहाँ पे बन रही है मेरी भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे बन गई है मेरी चटनी। वाव, देख के मुंह में पानी आ रहा भाई। तो करते हैं अभी नाश्ता, फिर दिखाते हैं चटनी कैसी हो रही है, क्या हो रही है। सीता बताई कि कैसी हो रही है। तो खाने में है चटनी और आलू भिंडी की सब्जी। यम्मी स्वाद है रे। टिप्पी दीदी वहाँ है, देखो मम्मी एक में। दोस्तों, खाना वाना तो हमने खा लिया था, चटनी भी एकदम झकास वाली हुई थी। तो अब जा रहे हैं हम पॉली हाउस के अंदर, दिखाते हैं। पॉली हाउस में ककड़ी हुई है, ककड़ी चोर आ रही है मेरे साथ। तो चलते हैं पॉली हाउस में। तो फिलहाल यहाँ पे हुई है एक डुन ककड़ी, ये मैंने। तो दोस्तों, डुन ककड़ी हुई है, ये रखी है मैंने संगीता के लिए। तो ये होगी, इसको सलाद हो रही है, सलाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है आजकल। ले टेस्टी टेस्टी पहली है हमारी ये ना। एक और हुई थी, खराब हो गई। खराब नहीं हुई, मैं दिख तो अच्छी रही है, होगी भी अच्छी। और यहीं पे हमारे बीन्स लगे हैं, बीन्स पहली वाले हम संगीता ही तभी खाएंगे। यहाँ मटर भी, बीन भी, हमारे इतनी बड़ी बीन, मेरे फेवरेट बीन है, इतने बड़े बड़े मेरे फेवरेट बीन है। तो उमा के हाथ में है बीन, ये हो रही है हमारी सारी बीन। और यहीं पे है टमाटर, पेड़ में ही पकने लग गए हैं। तो गाइस, हम पॉली हाउस आ चुके हैं, और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे लौकी की बेल लगी हुई है, ये ताओ और सीता दी, ये सब लौकी है, ये इनको वाली लोग वहाँ से कुदाल ला, बीन भी है, की बोल चुकी है, बता कुदाल ला, ये मम्मी लोग हैं मेरे, बीन उधर बाउं बुले बात। तो देख सकते हैं हमारे पॉली हाउस में इतनी छोटी सी ककड़ी लगी रखी है। तो ये किस किस को बटेगी, ककड़ी कटेगी सबको बटेगी। आप लोगों को किसी को खानी है तो घर की ककड़ी, किसी को खानी है तो कमेंट करके बता देना, हमारे वहाँ बहुत हो रही है। कमेंट करते करते तब तक आ जाएंगे हमारे वहाँ ककड़ियाँ।
लग जाती है। तो गाइस ये हमारे गांव का नज़ारा है, ऐसा लगता है जो ये वाला है ऐसा कर कि नैनीताल वाली फील आता है। तो ये है, मैं यहाँ पॉली हाउस से बना रही हूँ, इतना बढ़िया तरीके से अच्छा लग रहा है। कितने हरे भरे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। एंड गाइस मैं आ गई हूँ बाहर और ये हमारी बकरियाँ हैं। गाओ मैं चले जाऊंगी, ये जोर से लगाएगा नीचे गिराएगा सीधे। मैं जय को ही अच्छा मानती हूँ, जय अच्छा है। एक हरे रोटी,